फ्रेंड्स, वेलकम टू ओम नॉलेज हब। और आज हम देख रहे हैं साइंस 2 का स्टैंडर्ड 10th का फर्स्ट चैप्टर, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो हेरिडिटी और एवोल्यूशन का हमने फर्स्ट पार्ट देख लिया है, ये इसका सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा सेकंड पार्ट से पहले, तो जाके पहले फर्स्ट पार्ट देखो और बाकी का पार्ट आप बाद में देखना सेकेंड पार्ट। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। हमने क्या देखा था, एविडेंसेस जो प्रूफ्स थे एवोल्यूशन के, वहाँ का हमारा चालू था। जो एवोल्यूशन के एविडेंस थे उसमें हमने क्या क्या देखे, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस देख लिए, एनाटॉमिकल एविडेंसेस देख लिए, वेस्टिजियल ऑर्गन्स देख लिए। अब हम देखेंगे पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। पैलेंटोलॉजी क्या होती है पहले मैं बता देता हूँ आपको। जो आपको पता है, जो पुराने अवशेष मिलते हैं ऑर्गेनिज्म्स के, अ क्वेश्चन में अराइज इन योर माइंड दैट विच ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टेड मिलियंस ऑफ ईयर अगो, हाउ कैन वी टेल दिस। मतलब हम कैसे बता सकते कि ये ऑर्गेनिज्म इतने टाइम, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले होते ही होंगे, हमने तो देखा नहीं था। तो उनके क्या मिलते हैं हमें, उनके हमें अवशेष मिलते हैं, उनके हमें बहुत सारे बोन्स मिलते हैं, उनके प्रिंट्स मिलते हैं। सो नाउ दिस सीक्रेट हैज़ बिन हिडन इन द अर्थ। जो ये सीक्रेट है ये अर्थ के अंदर है। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स गेट बरीड ड्यू टू द डिजास्टर्स लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, वॉल्केनो एक्सेट्रा। मतलब बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बरी हो जाते हैं, मतलब अर्थ के अंदर गिर जाते हैं, अर्थ के कोर के अंदर गिर जाते हैं, जो दफन हो जाते हैं अर्थ के अंदर, जब फ्लड आती है, अर्थक्वेक आता है, वॉल्केनो इरप्शन होता है। रेमिनेंट्स एंड इम्प्रेशंस ऑफ, रेमिनेंट्स मतलब क्या होता है, देखो उनके जो अवशेष होते हैं, रेमिनेंट्स एंड इम्प्रेशंस, उनके इम्प्रेशंस होते हैं। देखो ये है ना, ये एक प्रकार का इम्प्रेशंस है। देखो आप बोल सकते हो छवि, उनकी जो छवि होती है वो वहाँ पे प्रिंट हो जाती है। ऑफ सच ऑर्गेनिजम्स रिमेन प्रिजर्व्ड इन अंडरग्राउंड, मतलब उनके जो रेमिनेंट्स होते हैं और इम्प्रेशंस होते हैं वो प्रिजर्व हो जाते हैं अंडरग्राउंड में। दीज आर कॉल्ड फॉसिल्स, ये इनके क्या है, फॉसिल्स है, ये फॉसिल, इनको फॉसिल्स कहा जाता है। स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एवोल्यूशन, जो स्टडी ऑफ फॉसिल्स होते हैं उसको पैलेंटोलॉजी कहा जाता है। कार्बन कंजप्शन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स स्टॉप्स आफ्टर डेथ एंड सिंस देन ओनली द डीकेइंग प्रोसेस ऑफ C40 ऑकर्स कंटिन्यूसली। मतलब जब कार्बन कंजप्शन होता है एनिमल्स का, डेथ के बाद रुक जाता है। जो ओनली उनका क्या होता है, डीकेइंग प्रोसेस चालू हो जाता है। किसका, C14 जो एलिमेंट होता है कार्बन का, उसका डीकेइंग मतलब उसका टूटना, उसके एलिमेंट्स का टूटना चालू हो जाता है। इन केस ऑफ डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, द रेशियो बिटवीन C14 एंड C12 चेंजेस कंटिन्यूली एज C12 इज नॉन रेडियोएक्टिव। मतलब कॉन्स्टेंट रहने के अलावा ये चेंज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि C40 और C12 के अंदर एक जो रेशियो है वो कंटिन्यूसली चेंज होता है, क्योंकि C12 एक नॉन रेडियोएक्टिव है। द टाइम पास्ट सिंस द डेथ ऑफ प्लांट एंड एनिमल कैन बी कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग द रेडियो एक्टिविटी ऑफ C14 एंड द रेशियो ऑफ C14 एंड C12 प्रेजेंट इन देयर बॉडी। मतलब जो जितना टाइम पास हुआ है, जितना टाइम बीत चुका है जो ऑर्गेनिज्म है उसके डेथ के बाद, या फिर प्लांट के डेथ के बाद, एनिमल या फिर प्लांट के, वो मेजर किया जा सकता है। किससे, अगर हम रेडियो एक्टिविटी होती है C40 की उसको मेजर करें, या फिर रेशियो है C14 और C12 के बीच में उसको अगर मेजर करें उनके बॉडी में जो है, तो उसको कार्बन डेटिंग कहा जाता है। अगर वो हम पता कर सकते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म कितना पुराना है वो भी हमें सब पता चल सकता है। दिस इज कार्बन डेटिंग मेथड। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया व्हाट इज कार्बन डेटिंग, तो हमें क्या लिखना है, द रेडियो एक्टिविटी ऑफ C12 एंड द रेशियो बिटवीन द C14 टू C12 इज कैलकुलेटेड इन द प्रोसेस टू डिटरमाइन द टाइम पास्ट सिंस द डेथ ऑफ प्लांट एंड एनिमल। दिस इज कॉल्ड कार्बन डेटिंग मेथड। इट इज़ यूज इन पैलेंटोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी फॉर डिटरमाइनिंग
द एज ऑफ ह्यूमन फॉसिल्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स। मतलब ये मेथड जो है ये पैलेंटोलॉजी में जब फॉसिल्स की स्टडी होती है, या फिर एंथ्रोपोलॉजी मतलब जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं दीवारों पे लिखा जाता है, जो केव मैन होते थे वो दीवारों पे केव के जो दीवार होते थे उन पर मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखते थे, तो उनकी भी एज पता कर सकते हैं हम इससे। फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ ह्यूमन फॉसिल्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स, वंस द एज ऑफ फॉसिल बीइंग डिटरमाइंड बाय दिस सच टेक्निक, इट बिकम ईजी टू डिड्यूस द इंफॉर्मेशन अबाउट अदर एरिस्टेबल ऑर्गेनिजम्स। मतलब अगर एक बार ये फॉसिल की एज पता चल गई इस टेक्निक से, तो जो एफर्ट होता है जो ईजी हो जाता है किसके लिए, इंफॉर्मेशन दूसरे ऑर्गेनिजम्स की निकालने में। इट सीम्स दैट वर्टिब्रेट्स हैव बीन स्लो ओरिजिनेटेड फ्रॉम इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, जिनके पीछे स्पाइनल कॉर्ड होता है उनको वर्टिब्रेट कहा जाता है, और जिनके पीछे स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता उन्हें इनवर्टिब्रेट्स कहा जाता है। सो ये देखो सेनोजोनिक ईरा में क्या था, जो एव्स थे देखो ये है इनवर्टिब्रेट्स, इनके पीछे स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता। फिर पैलेंजोइक ईरा आया जिसमें सिर्फ एम्फीबिया और फिशेस थी, देखो ये है एम्फीबियस। एम्फीबियस क्या होते हैं, जो वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं। ये उसके बाद क्या है, मेसोजोनिक ईरा में रेप्टाइल्स, और उसके बाद एव्स या फिर बर्ड्स और मैमल्स सेनोजोनिक ईरा में। इंट्रोडक्शन टू द साइंटिस्ट, कार्बन डेटिंग मेथड जिसके बारे में हमने पढ़ा, बेस्ड अपॉन द रेडियो एक्टिव डीके ऑफ नेचुरली ऑकरिंग C14 एंड इट्स डेवलप्ड बाय विलर्ड लिबी। जो विलर्ड लिबी थे साइंटिस्ट, उन्होंने ये जो C40 का डीके होता है उससे कार्बन डेटिंग का इन्वेंशन किया था, उन्होंने ये फाइंड किया था। ही हैज़ बीन अवॉर्डेड बाय नोबल प्राइज़ इन 1960 फॉर द इन्वेंशन। द एज ऑफ द मटेरियल्स डिटरमाइंड बाय द मेथड आर पब्लिश्ड इन द जर्नल रेडियो कार्बन। उन्होंने एक जर्नल लिखी थी जिसमें एज ऑफ मटेरियल्स कैसे डिटरमाइन करें उसके बारे में लिखा था, उस जर्नल का नाम है रेडियो कार्बन। सो कनेक्टिंग लिंक्स, देखो कुछ एनिमल्स में कनेक्टिंग लिंक्स होते हैं। देखो ये जो डक बिल प्लैटिपस होता है, ये आपको पता होगा ओविसाइड्स और ओविपोरस और विविपोरस, ऐसे दो एनिमल्स होते हैं। जो विविपोरस होते हैं वो मैमल्स होते हैं ज़्यादातर, जो डायरेक्ट ऑफस्प्रिंग्स को पैदा करते हैं, मतलब जैसे ह्यूमन करते हैं। और जो ओविपोरस होते हैं वो एग्स ले करते हैं, जो अंडे देते हैं, अंडों से फिर अंडा फर्टिलाइज होने के बाद उसमें से ऑफस्प्रिंग या फिर बच्चा निकलता है। तो ऐसे दो प्रकार के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन ये जो डक बिल प्लैटिपस है ये अंडे देता है, एग्स ले करता है, और इसके पास मैमली ग्रैंड्स होते हैं, मतलब ये ओविपोरस से भी कनेक्टेड है और विविपोरस से भी कनेक्टेड है। और ये जो लंग फिश है ये फिश है, इसके पास स्केल्स है, लेकिन ये वाटर में भी जिंदा रह सकती है, मडी वाटर में भी जिंदा रह सकती है, मड में मतलब कीचड़ में। सो ये कनेक्टिंग लिंक्स है कुछ इसमें। सम एनिमल्स विद स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक, सम प्लांट्स एंड एनिमल्स शो सम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बाय विच दे कैन बी रिलेटेड टू डिफरेंट ग्रुप्स, हेंस दे आर कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक्स। कुछ प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स शो करते हैं कुछ रिलेटेड टू डिफरेंट ग्रुप्स, दो डिफरेंट ग्रुप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को रिलेट करते हैं ये, इसलिए उनको कनेक्टिंग लिंक्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल पेरिपेटस जो होता है, ये देखो ये पेरिपेटस है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लाइक सेगमेंटेड बॉडी थिन क्यूटिकल एंड पैरापोडिया लाइक ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। सिमिलरली दिस एनिमल्स शो ट्रैकियल रेस्पिरेशन एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम सिमिलर टू आर्थ्रोपोड्स। मतलब ये पैरापोडिया के जैसे भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है और आर्थ्रोपोड्स की तरह भी। दिस इंडिकेट्स दैट पैरापेटस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन
एनेलिडा एंड ऑर्थोपोडा। ये जो एनेलिडा और ऑर्थोपोडा होता है इनके बीच में ये कनेक्टिंग लिंक है। सिमिलरली डक बिल्ड प्लेटिपस जो होता है, मैंने बताया था अभी, ले एग्स लाइक रेप्टाइल्स बट शोज रिलेशनशिप विथ मैमल्स टू ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैमली ग्रैंड्स एंड हेयर्स। मतलब ये एग्स भी देता है और इसके पास मैमली ग्रैंड्स भी है इसकी और हेयर्स भी है बॉडी पे, तो ये मैमल्स के साथ भी कनेक्शन रखता है और रेप्टाइल्स या फिर जो ओविपोरस होते हैं उनके साथ भी, तो ये उनके बीच में कनेक्टिंग लिंक है। लंग फिश परफॉर्म्स रेस्पिरेशन विथ लंग्स इरिस्पेक्टिव ऑफ बींग फिश। जो फिशेस होती है वो स्केल्स से, उनके जो बॉडी पे स्केल्स होते हैं उससे रेस्पिरेशन करती है, और ये जो लंग फिश है उसमें एक लंग होता है उससे वो रेस्पिरेशन करती है। सो दिस एग्जाम्पल्स इंडिकेट दैट मैमल्स आर इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस फ्रॉम फिशेस। सो ये देखो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, ये जो दिख रहे हैं आपको ये सब एम्ब्रियोज हैं। जब ओवरी में होते हैं एम्ब्रियोज तब ऐसे दिखते हैं। कंपेरेटिव स्टडी ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ वेरियस वर्टिब्रेटा गिवन इन द पिक्चर शोज दैट ऑल एम्ब्रियोज शो एक्सट्रीम सिमिलैरिटीज ड्यूरिंग इनिशियल स्टेट्स। देखो ये जो एम्ब्रियोज है ये इनिशियल स्टेट में देखो कितने सारे सेम लग रहे हैं। देखो फिश का भी सेम लग रहा है, ह्यूमन का भी सेम लग रहा है, देखा आपने, ह्यूमन का भी सेम है एंड का मैन का भी सेम है। सारे एम्ब्रियोज इनिशियल स्टेज में सेम लग रहे हैं, जैसे जैसे ग्रेजुअली उनमें ग्रोथ होनी चालू हो जाती है तब तो वो अलग अलग दिखने शुरू हो जाते हैं एंड दो सिमिलैरिटीज डिक्रीज ग्रेजुअली। ये सिमिलैरिटीज है ये कम होती जाती है। सिमिलैरिटीज इन इनिशियल स्टेज इंडिकेट द कॉमन ओरिजिन ऑफ ऑल दीज एनिमल्स। मतलब उनके जो इनिशियल स्टेज में जो सिमिलैरिटीज होती है ये क्या बताती है, किस तरफ इशारा करती है कि इनके सारी सारों के ओरिजिन कॉमन है। डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये जो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी थी वो डार्विन सर चार्ल्स डार्विन ने दी थी। सो चार्ल्स डार्विन हैड कलेक्टेड इन्यूमरेबल स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जर्वेशंस ऑफ दोज स्पेसिमेंस। मतलब चार्ल्स डार्विन ने क्या किया था कि बहुत सारे स्पेसिमेंस कलेक्ट किए थे, जिसको हम नमूने कहते हैं, नमूने सैंपल्स कलेक्ट किए थे प्लांट्स एंड एनिमल्स के, और उन पे डिपेंडेंट उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन की थी उन स्पेसिमेंस पे, जो उन्होंने ही पब्लिश द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन विच प्रीचिस द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। मतलब इसके द्वारा उन्होंने एक थ्योरी रखी थी जिसका नाम जो थी नेचुरल सिलेक्शन, जो किस क्या बताती थी, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। फॉर दिस पर्पस डार्विन हैड पब्लिश्ड अ बुक टाइटल ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, उन्होंने एक बुक लिखी थी उसके लिए, बुक पब्लिश की थी, उसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। व्हाइल एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट डार्विन सेज दैट ऑल द ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस प्रोलिफिकली। मतलब सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रोलिफिकली रिप्रोड्यूस करते हैं। ऑल द ऑर्गेनिजम्स कम्पीट विथ ईच अदर इन लाइफ, मतलब उनका कंपटीशन होता है किसकी स्पीशीज ज़्यादा बढ़ेगी, इसमें उनका कंपटीशन होता है, उनको सस्टेन करना होता है थ्रेटनिंग मैनर में, एक थ्रेटनिंग मैनर में वो उनका कंपटीशन चलता है। इन दिस कंपटीशन ओनली दोज ऑर्गेनिज्म सस्टेन विच शो द मॉडिफिकेशन इसेंशियल फॉर विनिंग द कंपटीशन। मतलब इसमें वही स्पीशीज जिंदा रहती है, वही ऑर्गेनिज्म जिंदा रहते हैं जो खुद में मॉडिफिकेशंस करते, बदलाव करते उनके जीतने के लिए जो ज़रूरी होते हैं वो। हाउएवर बिसाइड द नेचुरल सिलेक्शन आल्सो प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल बिकॉज नेचर सिलेक्ट्स ओनली दोज ऑर्गेनिज्म विच आर फिट टू अलाइव एंड रेस्ट पेरिश। मतलब एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि नेचर किसको सिलेक्ट करता है, जो ऑर्गेनिज्म फिट है
जीने के लिए, और बाकी के एक्सटिंक्ट हो जाते, पेरिश हो जाते हैं। सस्टेनिंग एंड सिलेक्टेड ऑर्गेनिजम्स कैन परफॉर्म रिप्रोडक्शन एंड देयर बाय गिव राइज टू न्यू स्पीशीज विद देयर ओन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। मतलब उनमें एक कंपटीशन चल जाता है रिप्रोडक्शन का, कैसे हम हमारी स्पीशीज को सस्टेन कराएं। डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वॉज वाइडली एक्सेप्टेड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। हाउएवर सम ऑब्जेक्शन आर रेज्ड अगेंस्ट द थ्योरी। सम ऑफ द मेन ऑब्जेक्शंस आर, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है। आपको एक क्वेश्चन आता है, मेरे ख्याल से 2 मार्क्स का आता है ये क्वेश्चन, कि टेल एक्सप्लेन द डार्विन्स ऑब्जेक्शंस, नहीं द डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शंस ऑब्जेक्शंस। सो ऑब्जेक्शंस क्या है उनके मेन? नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। सो नेचुरल सिलेक्शन है वो ओनली फैक्टर नहीं है इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। डार्विन डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशंस। मतलब डार्विन ने कोई खास ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था यूजफुल और यूजलेस मॉडिफिकेशन के बारे में। देयर इज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो चेंजेस एंड एब्रप्ट चेंजेस। मतलब उसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था कि स्लो चेंजेस कैसे हुए, एब्रप्ट चेंजेस कैसे हुए। इरिस्पेक्टिव ऑल दिस ऑब्जेक्शंस, डार्विन्स वन ऑन वर्क ऑन एवोल्यूशन हैज़ बीन अ माइलस्टोन। मतलब ये सारे ऑब्जेक्शंस को डिसाइड करके हम ये कह सकते हैं कि डार्विन की जो थ्योरी थी एवोल्यूशन की वो एक माइलस्टोन थी। ये इसको देखने के बाद लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज हुआ। उससे पहले लोग ये सोचते थे कि माइथोलॉजी के अनुसार सोचते थे कि लोगों को लगता था कि हमें गॉड ने बनाया है, तो डार्विन उनके लिए कुछ अलग था, इसलिए बहुत सारे लोग उस पर ऑब्जेक्ट भी करते थे। और उस वक्त उनकी थ्योरी ज़्यादा लोगों ने मानी भी नहीं थी। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट है ये। दिस इंग्लिश बायोलॉजिस्ट प्रपोज द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ही शोड दैट ऑल द स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव बीन ग्रेजुअली इवॉल्व ओवर द पीरियड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर्स। ही प्रपोज दैट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एवोल्यूशन। देखो डार्विन के बाद एक और बायोलॉजिस्ट थे, एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एवोल्यूशन की थ्योरी प्रेजेंट की थी, जिसका नाम था लैमार्किज्म। तो ये लैमार्किज्म जो थ्योरी है ये किसने प्रेजेंट की थी? जीन बैप्टिस्ट लामार्क प्रपोज दैट मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ऑकर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन एंड द रीजन्स बिहाइंड दोज मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इज एक्टिविटीज और लेजीनेस ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। मतलब जो लैमार्क थे उन्होंने क्या बताया कि जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जो उनके बॉडीज में चेंजेस होते हैं या फिर उनके स्ट्रक्चर में चेंजेस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? इवोल्यूशन के लिए। और उनके पीछे जो रीज़न है वो क्या है कि जो वो एक्टिविटीज़ करते हैं या फिर जो वो लेजीनेस दिखाते हैं वो ऑर्गेनिज्म, वो उस एवोल्यूशन के लिए जिम्मेदार है। ही कॉल्ड दिस कॉन्सेप्ट एज प्रिंसिपल ऑफ यूज़ और डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स। इस प्रिंसिपल को उन्होंने कहा यूज़ और डिसयूज़, मतलब कुछ ऑर्गन्स को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वाइल्डली होगा और कुछ ऑर्गन्स को डिसयूज़ करेंगे तो वो माइनर हो जाएंगे। फर्दर ही सेड दैट नेक ऑफ जिराफ हैज़ बिकम टू लॉन्ग ड्यू टू ब्राउजिंग ऑन लीव्स ऑन टॉल प्लांट्स बाय एक्सटेंडिंग देयर नेक फॉर सेवरल जनरेशंस। मतलब उन्होंने एक थ्योरी रिप्रेजेंट की कि जो जिराफ की जो नेक है वो क्यों लंबी है, क्योंकि वो जो टॉल ट्रीज थे, टॉल प्लांट्स थे, उनके पत्ते खाना चाहते थे। तो उनकी बहुत सारी जनरेशन्स ने उनकी नेक को एक्सटेंड करने की कोशिश की, इसलिए उनके नेक बहुत लॉन्ग होती चली गई। सिमिलरली शोल्डर्स ऑफ आयरन स्मिथ हैव बिकम वेरी स्ट्रांग ड्यू टू फ्रीक्वेंट हैमरिंग मूवमेंट्स। मतलब उनके सारे जनरेशन्स में पहले कैसे होता था, जो काम करती थी जनरेशन्स तक वही काम करती थी वो। मतलब कह
कैसा था, आयरन स्मिथ का बेटा, लोहार का बेटा लोहार बनेगा, सोनार का बेटा सोनार बनेगा। इसलिए उनकी बॉडी में वो कैरेक्टरिस्टिक्स बनने लगे, क्योंकि बहुत सारी जनरेशन वही करती थी। विंग्स ऑफ बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच एंड एमू हैव बीन वीक ड्यू टू नो यूज, मतलब एमू जो होते हैं और जो ऑस्ट्रिच होते हैं उनके पंख वीक हो गए क्योंकि वो उनको यूज़ नहीं करते थे, इसलिए उनको लेग उनके लेग्स ज़्यादा काम करने लगे। लेग्स स्विमिंग ड्यू टू लेग्स ऑफ बर्ड्स लाइक स्वैन एंड डक हैव बीन बिकम यूजफुल फॉर स्विमिंग ड्यू टू लिविंग इन वाटर, मतलब जो लेग्स होते हैं स्वैन और डक के वो स्विमिंग के लिए यूजफुल हो गए क्योंकि उनको ज़्यादातर वाटर में रहना था। स्नेक्स हैव लॉस्ट देयर लेग्स बाय मॉडिफिकेशन इन बॉडी फॉर बर्रोइंग हैबिट, मतलब स्नेक्स ने अपने पैर खो दिए क्योंकि उनको जब ग्राउंड के अंदर रहना बर्रोइंग अच्छी लगती थी, पसंद था उनको। ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स एंड आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर जनरेशन। इसका एक और एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जो पेंगुइन्स होते हैं उनके पास भी विंग्स होते हैं लेकिन वो उड़ क्यों नहीं पाते, क्योंकि उनकी बॉडी बहुत हार्ड होती है, मतलब उनकी बॉडी भारी होती है और उनके विंग्स छोटे हो गए, क्योंकि उनके विंग्स क्यों छोटे हो गए, क्योंकि वो जो रीजन्स में रहते हैं वहाँ पे वाटर ज़्यादा है, वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में रहते हैं, वहाँ पे वो उड़ के भी क्या करेंगे, उनको ऐसे ट्रीज नहीं है उड़ने के लिए या फिर उनको स्काई में कुछ स्प्रे वगैरह नहीं है, तो वो क्या करते हैं, उन्होंने तैरना सीख लिया, उन्होंने मॉडिफिकेशन कर ली खुद में, उन्होंने तैरना सीख लिया, इसकी वजह से उनके विंग्स वीक हो गए और छोटे हो गए। इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट जीन बैप्टिस्ट लैमार्क। लैमार्क प्रपोज दैट एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर इवोल्यूशन। दिस फ्रेंच नेचुरलिस्ट प्रपोज दैट ईच एनिमल एंड प्लांट और प्लांट अंडरगो सम चेंजेस इन इट्स लाइफ स्पैन एंड दोज चेंजेस आर ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन एंड सच चेंजेस ऑकर इन नेक्स्ट सबसिक्वेंट जनरेशन टू। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स ड्यू टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज और देयर डीजनरेशन ड्यू टू नो यूज एट ऑल वॉज वाइडली एक्सेप्टेड बाय, बट ट्रांसफर ऑफ दोज कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन वॉज रिजेक्टेड, मतलब ऑर्गन्स की जो डेवलपमेंट होती है वो कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ से हो सकती है या फिर डीजनरेशन होता है ऑर्गन्स का वो यूज़ ना होने की वजह से हो सकता है, लेकिन वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक जनरेशन से अनदर जनरेशन में ट्रांसफ़र हो सकती है, ये उस टाइम पे रिजेक्ट हो गया। बिकॉज इट हैड बीन वेरीफाइड मेनी टाइम्स दैट मॉडिफिकेशंस ब्रॉट इन अस आर नॉट ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट जनरेशन, मतलब कभी कभी ये भी प्रूफ किया गया है कि जो मॉडिफिकेशंस हम में होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में कभी कभी कभार नहीं जाते, एंड देयर बाय लैमार्क थ्योरी वॉज डिसप्रूव्ड। इसकी वजह से लैमार्क की जो थ्योरी थी वो डिसप्रूव हो गई। द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ट्रांसफर द कैरेक्टरिस्टिक विच इज हैज एक्वायर्ड टू नेक्स्ट जनरेशन, दिस इज कॉल्ड एंसेस्ट्री एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो एक्वायर्ड है नेक्स्ट जनरेशन के लिए, उसको कहा जाता है एंसेस्ट्री ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। अगला टॉपिक है स्पेसिएशन, मतलब स्पीशीजेशन। स्पीशीएशन फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज इफेक्ट ऑफ एवोल्यूशन, मतलब नए प्लांट्स ऑफ एनिमल्स की स्पीशीज बनना ये इवोल्यूशन का इफेक्ट है। स्पीशीज इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल्स थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शंस, मतलब स्पीशीज क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है जो प्रोड्यूस करते हैं, जो फर्टाइल होते हैं इंडिविजुअल्स वो नेचुरल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करते हैं। ईच स्पीशीज ग्रो इन स्पेसिफिक जियोग्राफिकल कंडीशंस, मतलब जो एक स्पीशीज होती है वो स्पेसिफिक जियोग्राफिकल कंडीशंस में ग्रो करती है। देयर फूड हैबिटेट रिप्रोडक्टिव एबिलिटी एंड पीरियड इज डिफरेंट,
मतलब हर स्पीशीज की उनका खाना, उनका रहने का तरीका, हैबिटेट मतलब रहने का तरीका, का कैसे रहते वो, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी मतलब किसी के, अगर देखो आप देखोगे तो कैट के 3 4 बच्चे होते हैं, ह्यूमंस के नहीं होते, ह्यूमंस के एक टाइम पे एक ही या 2 बच्चे होते हैं। उनका पीरियड मतलब डायनासोर्स का पीरियड अलग था, हमारा पीरियड अलग है। तो वैसे हाउ एवर जेनेटिक वेरिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेशीज फ्रॉम अर्लियर वन, बिसाइड्स जियोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव चेंजेस आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। मतलब जेनेटिक वेरिएशन जो होता है वो ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, न्यू स्पीशीज़ को फॉर्म करने के लिए, अर्लीवर वन से ज़्यादा। तो जो जियोग्राफिकल कंडीशंस होते हैं या फिर जो रिप्रोडक्टिव चेंजेस होते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सिमिलरली जियोग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आल्सो लीड्स टू स्पेसिफिकेशन ह्यूमन इवोल्यूशन। द बायोडाइवर्सिटी दैट इज नोन टुडे हैज़ बीन सेड टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम वेरी सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ड्यू टू एवोल्यूशन। मतलब ह्यूमन एवोल्यूशन देख रहे हैं हमें भी, ह्यूमन का एवोल्यूशन कैसे हुआ। द बायोडाइवर्सिटी जो आई है, जो डाइवर्सिटी आई है बायो ऑर्गेनिजम्स में, वो कैसी, जब हम इवॉल्व हुए तब एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से हम इवॉल्व हुए। इन दिस एवोल्यूशन ओरिजिन ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन कैन बी शोन एज पर द पिक्चर गिवन बिलो। लास्ट डायनासोर डिसअपीयर्ड अप्रॉक्सीमेटली 7 करोड़ ईयर्स अगो। मतलब जो लास्ट डायनासोर्स थे वो कब डिसअपीयर हुए, कब गायब हुए, 7 करोड़ ईयर्स पहले। एट दैट टाइम मंकी लाइक एनिमल्स आर सेड टू बी इवॉल्व फ्रॉम सब एंसेस्टर्स हु आर मोर और लेस सिमिलर टू मॉडर्न लेमूर्स। मॉडर्न जो लेमूर्स होते हैं उनसे कुछ मंकी लाइक एंसेस्टर्स हमारे बने थे। टेल ऑफ दीज एनिमल्स लाइक एनिमल्स ऑफ अफ्रीका, मतलब इनकी जो टेल थी इस एनिमल्स की वो डिसपेड हो गई 4 करोड़ ईयर अगो। दे डेवलप ड्यू टू एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेन्स, देयर हैंड्स आर ऑल्सो इम्प्रूव्ड एंड द एप लाइक एनिमल्स वेयर इवॉल्व। उनके हैंड डेवलप हुए, उनका ब्रेन इनलार्जमेंट हुआ, वो एप लाइक बनने लगे। मीन वाइल दीज एप लाइक एनिमल्स रीच द साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया। पहले कहाँ पे रहते थे वो, अफ्रीका में, फिर अब कहाँ आए वो, साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया, एंड फाइनली इवॉल्व इंटू गिबियॉन एंड ओरांग उटान। देखो आज के समय में भी आपको गिबियॉन और ओरांग उटान दिख जाते हैं। ओरांग उटान जो होते हैं उनका नाम में ही देखो ओरांग है, ओरांग मतलब ऑरेंज, वो ऑरेंज कलर के एप्स होते हैं। रिमेनिंग एप लाइक एनिमल्स स्टेड इन अफ्रीका एंड फ्रॉम देम गोरिल्ला एंड चिंपैंजी इवॉल्व अबाउट 2.5 ईयर्स अगो। 2.5 ईयर्स अगो क्या बने, गोरिल्ला एंड चिंपैंजी। इवोल्यूशन सम ऑफ 2 ईयर्स 2 करोड़ ईयर्स ओल्ड स्पीशीज ऑफ एप्स सीम टू बी ऑकर्ड इन डिफरेंट वे। दे हैड टू यूज देयर हैंड्स मोर फॉर ईटिंग एंड फूड अदर वर्क। देखो सबसे पहले देखो ये पिक्चर जो है पूरी जर्नी ऑफ ह्यूमन बताती है। देखो पहले ऐसे एनिमल्स बने, फिर इनको कहा जाता है इजिप्टो स्पीशियस, फिर ड्राई पिटोशियस, फिर रामा पिटोशियस, एस्ट्रोलोपिटेशियस, स्केल्ड ह्यूमन, ह्यूमन विथ एरेक्ट पोस्चर। देखो यहाँ से जो ह्यूमन था वो सीधा खड़ा होना शुरू हो गया। देखो यहाँ से पोस्चर अलग होने लगा। फिर ये थे नियंडरथल, जो ह्यूमंस के आज के जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं उनसे ज़्यादा पास थे। ये देखो ये जो नियंडरथल्स है वो इंस्टिंक्ट हो गए। और फिर आए क्रो मैगनॉन मैन, मतलब जब मॉडर्न मैन से ज़्यादा सिमिलर। सो दे हैड टू यूज देयर हैंड्स फॉर अदर वर्क्स। दोज एप्स स्टार्टेड टू लिव ऑन लैंड, मतलब ये जो एप्स है उन्होंने ट्रीज को छोड़ दिया, वो लैंड्स पे रहना शुरू हो गए। एज द फॉरेस्ट स्टार्टेड टू डिक्लाइन ड्यू टू ड्राई एनवायरनमेंट, मतलब फॉरेस्ट जो थे उस टाइम पे ना टेम्परेचर बहुत हाई था, ड्राई एनवायरनमेंट था। सो ट्रीज है ना
कम होने लगे, फॉरेस्ट कम होने लगी, इसलिए उनका पेल्विक ग्रेडल जो था वो पेड़ पे चढ़ने के लिए था, लेकिन वो डेवलप होने लगा स्टैंड इरेक्ट पोस्चर में होने के लिए, ग्रासलैंड्स में चलने के लिए, एंड देयर बाय देयर हैंड्स बिकम अवेलेबल फॉर यूज़, क्योंकि वो पहले दो हाथों को नीचे रख के चलते थे ना एनी टाइम. दिस फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल्स विथ इरेक्ट पोस्चर विच आर वेयर यूजिंग देयर हैंड्स हैड इवॉल्व अबाउट 2 ईयर्स अगो. फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन लाइक एनिमल इज विथ फॉर्म ऑफ रामापिथेशियस. जो रामापिथेशियस थे वो फर्स्ट रिकॉर्डेड ह्यूमन लाइक एनिमल थे, ए फ्रॉम नॉर्थ इंडिया एंड ईस्ट अफ्रीका. यहाँ पे रामापिथेशियस पाए गए थे. आफ्टरवर्ड्स दिस एप ग्रोन अप इन साइज एंड बिकम मोर इंटेलिजेंट, दस एप ऑफ साउथ अफ्रीका इवॉल्व इन 40 लाइक ईयर्स अगो. ये जो एप थे वो ग्रोन अप होने लगे साइज में और उनको और इंटेलिजेंट होने लगे. तो ये साउथ अफ्रीका में 40,000 साल पहले देखे गए थे. द मॉर्फोलॉजी ऑफ दिस ह्यूमन लाइक एनिमल्स स्टार्टेड टू अपेयर लाइक टू बी मेम्बर ऑफ द जीनस. इनको जीनस ऑफ होमो, उनको होमो कहा जाता है, जैसे होमोसेपियंस हो गए, होमोसेपियंस कहा जाता है इनको ज़्यादातर, जो मॉडर्न ह्यूमन के ज़्यादा पास थे. अबाउट 20 लाख ईयर्स अगो द स्किल्ड ह्यूमन डेवलप. अबाउट 50 लाख ईयर्स अगो ह्यूमन वॉकिंग विथ इरेक्ट पोस्चर वॉज इवॉल्व. मतलब ह्यूमन सीधे खड़ा होकर चलने लगा 15 लाख ईयर्स अगो. इट मे हैव एग्जिस्टेड इन चाइना एंड इंडोनेशिया ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट. यहाँ पे पहली बार ये होने लगा चाइना और इंडोनेशिया के एशियन कॉन्टिनेंट में. सो इवोल्यूशन ऑफ अपराइट मैन कंटिन्यूड इन डायरेक्शन ऑफ डेवलपिंग इट्स ब्रेन फ्रॉम द पीरियड ऑफ अबाउट 1 लाख ईयर्स अगो. मतलब जो अपराइट मैन चलते थे, सीधे चलते थे मैन, उनका ब्रेन डेवलपमेंट जो था वो 1 लाख ईयर्स अगो के पीरियड में शुरू हो गया था. मीनवाइल इट्स डिस्कवर्ड द फायर. उन्होंने फायर की डिस्कवरी भी कर दी थी उस टाइम में. ब्रेन ऑफ 50,000 ईयर अगो ओल्ड मैन हैड बीन सफिशेंटली इवॉल्व टू एक्सटेंट दैट इट कुड बी कंसिडर्ड एज मेम्बर ऑफ क्लास वाइज मैन. सबसे क्लास वाइज मैन किसको कहा जाता है? होमोसेपियंस. जो होमोसेपियंस थे उनका ब्रेन बहुत इवॉल्व हो चुका था. और जो नियंडरथल थे, नियंडरथल मैन कैन बी कंसिडर्ड एज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ वाइज मैन. द क्रो मैंगनन मैन इवॉल्व इन 15,000 ईयर्स अगो. आफ्टरवर्ड्स दिस इवोल्यूशन हैड बीन फास्टर एंड देन अर्लियर. अबाउट 10,000 ईयर्स अगो वाइज मैन स्टार्टेड टू प्रैक्टिस द एग्रीकल्चर. इट स्टार्टेड टू रियर कैटल हर्ड्स. मतलब 10,000 ईयर्स पहले जो वाइज मैन थे, होमोसेपियंस थे, या फिर कहा जाता है नियंडरथल थे, उन्होंने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया, खेती करना शुरू कर दिया. और उन्होंने कैटल जो होती है एनिमल्स, उनको भी पालना शुरू कर दिया. और उन्होंने सिटीज़ बनाने, कॉलोनीज, कम्युनिटीज़ बनानी शुरू कर दी. उनकी कल्चरल डेवलपमेंट होने लगी. कल्चरल डेवलपमेंट टुक प्लेस. आर्ट ऑफ राइटिंग वॉज इन्वेंटेड अबाउट 5,000 ईयर्स अगो. जो राइटिंग की जो आर्ट थी वो 5,000 ईयर्स अगो बनने लगी. एंड दस द हिस्ट्री हैड बीन स्टार्टेड. इसके बाद हिस्ट्री शुरू हो गई. मॉडर्न साइंसेस इमर्ज्ड अबाउट 400 ईयर्स अगो एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज इस्टेब्लिश्ड अबाउट 200 ईयर्स अगो. एंड नाउ वी हैव रीच दैट स्टेज एंड स्टिल वी आर सर्चिंग द डिटेल्स ऑफ रूट्स ऑफ ह्यूमन एंसेस्ट्री. मतलब जो मॉडर्न साइंस था वो 400 साल पहले बनना शुरू हो गया, और जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था, वो 200 साल पहले आया. और अब हम इस स्टेज पे आ गए हैं कि हम और डिटेल्स ह्यूमन रूट्स के बारे में निकाल रहे हैं. सो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है. पार्ट टू भी यहीं पे ख़त्म हो रहा है. अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो पार्ट वन भी देख लीजिए. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए. अगर चैनल को आपने पहले से सब्सक्राइब करके रखा है तो आपके फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, उनको रिकमेंड कीजिए इस वीडियो को. अगर आपको मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना है, कुछ क्वेरी है, तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं. तब तक के लिए
मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।